नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रमन स्वास्थ्य पे। दोस्तों आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि कई बार ऐसा होता है कि आपके फैमिली फ्रेंड्स या फिर आपके रिलेटिव्स आपके एंड्रॉयड फ़ोन के पासवर्ड को जान जाते हैं एंड देन आपके गैर मौजूदगी में वो मोबाइल को ओपन करते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मोबाइल में करते हैं। सो दोस्तों हम इसको कैसे बंद कर सकते हैं कि वो हमारे पासवर्ड को देख भी लें और फिर पासवर्ड हमारा चेंज हो जाए ऑटोमेटिक। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूरिएगा और वीडियो को मत करिएगा थोड़ा सा स्किप। तो चलिए दोस्तों आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं और कुछ नया सीख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हमें कुछ करना कुछ नहीं, जाना है अपने प्ले स्टोर में एंड प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर सर्च बार में सर्च कर लेना है टाइम स्क्रीन लॉक एंड स्क्रीन लॉक सर्च करने के बाद जो पहली एप्लीकेशन आएगी उसे ही आपको कर लेना है इंस्टॉल, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको चले जाना है उस एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन में जाने के बाद कर लेना है इसे ओपन। एंड जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आप इनेबल लॉक का एक ऑप्शन आ रहा है, देन फाइनली चूज़ कर लेना है इस इनेबल लॉक के ऑप्शन पे। सो जैसे ही आप इसे मतलब कि यहाँ पर डिसेबल रहता है, जैसे आप इसे इनेबल करेंगे, सो इनेबल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे कुछ सिक्योरिटी जो है वो मांग सकता है, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर आपसे पूछ सकता है। एंड क्वेश्चन पूछने के बाद वहाँ पर सेव का भी ऑप्शन आता है, देन आपको कर देना है वहाँ से सेव। एंड सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आ रहा है चेंज सिक्योरिटी टाइप, एंड इस पर प्रेस करने के बाद दोस्तों यहाँ पर प्रेस कर देना है करेंट टाइम पे। सो दोस्तों यहाँ से ऐसा होगा कि जो आपका करेंट टाइम है वही आपका बन जाएगा पासवर्ड। इससे क्या होगा कि अगर आप अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के सामने भी अपना मोबाइल जो है वो ओपन करते हैं तो जो आपका पासवर्ड है टाइम के अकॉर्डिंग रहेगा, जितना टाइम बच रहा होगा उतना ही आपका पासवर्ड होगा और अगले टाइम ही आपका पासवर्ड जो है वो चेंज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं डेमो करके इसका। सो यहाँ पर मैं पावर बटन दबा के अपना एंड्रॉयड फ़ोन ऑफ कर देता हूँ। सो ऑफ करने के बाद जैसे दोस्तों यहाँ पर अपने एंड्रॉयड फ़ोन को ओपन करते हैं, सो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आपका एंड्रॉयड फ़ोन ओपन होगा तो कुछ इस टाइप का जो इंटरफेस है वो आपको देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर नीचे देख सकते हैं दोस्तों स्लाइड टू अनलॉक का ऑप्शन आ रहा है, अब यहाँ पर आपको कर लेना है स्लाइड। एंड स्लाइड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो टाइम है वही आपका है पासवर्ड। सो यहाँ पर जो कीपैड में आपको यही जो है टाइम 4 डिजिट का वही रन करना है। सो यहाँ पर हम आ गए हैं कीबोर्ड में, एंड कीबोर्ड में आने के बाद जो हमने टाइम देखा है उसे ही कर देना है हमें रन। एंड जैसे ही हम रन करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा एंड्रॉयड फ़ोन है वो हो जाएगा ओपन। सो दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन को अपने रिलेटिव से या फिर अपने फ्रेंड से कैसे कर सकते हैं प्रोटेक्ट। अगर दोस्तों आपको इस तरह की वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ दबा दीजिएगा बेल आइकन। और साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ और कर दीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा कि वो लोग भी इस अमेजिंग फीचर का फ़ायदा उठा पाएँ। दोस्तों सो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।